अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है हम और आप देख रहे हैं हम दसर शहजाज़ यूट्यूब चैनल तो दोस्तों सबको अपनी इस नई वीडियो में शामिल करता हूं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड ईयर स्टैट्स के वाले से चैप्टर नंबर टेन टेन पॉइंट टू हमने स्टार्ट की थी <coughs> उसका क्वेश्चन नंबर फोर ए का जो है वो सेकेंड पार्ट हमने जो आज करना है तो मैं देख रहा हूँ यार पिछली वीडियोज़ में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा काफ़ी ज़्यादा मस्ता हो रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस में रिकॉर्ड करता हूँ तो यार का थोड़ा बहुत रिस्पॉस दे दिया करो लाजम तो पर कमेंट कर दिया करो थोड़ा बहुत प्यारा सा वीडियोस को लाइक कर दिया करो ताकि आपके भाई को यार थोड़ा सा जिसको कह मोटिवेशन मिल जाती है वीडियोस बनाने के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियोस पे जो है लेके आता रहूँगा नहीं तो फिर ए, मेरा जो है वो भी वीडियोस बनाने का फिर मूड ही खत, खत्म हो जाता है जिसको कहते हैं कि आप लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं आता और मैं घंटे घंटे की वीडियोस रिकॉर्ड करके आपको देता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता आपको पता है पिछली कितनी वीडियोज़ थी मैंने इतनी शदीद गर्मी में आप सबके लिए वीडियो जो है बनाई हैं मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब आप लोगों ने बिल्कुल भी रिस्पॉस नहीं दिया तो चलें कोई बात नहीं इंशाल्लाह आज की वीडियो से देख लेते हैं कि कितना रिस्पॉन्स जो है आप सब लोग देते हैं तो आज का सेकंड पार्ट हम जो है करने वाले हैं तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया था लेस दैन वन सेंटीमीटर जो है वो इसको हमने कर लिया था तो उसका जो है हम दोबारा में इसको पढ़ता हूँ आज सेकंड पार्ट करेंगे जो है मोर देन 145 आपको मैं फिर एक दफ़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको जो वो समझ लग जाए द हाइट ऑफ एट द ऑफ बॉयज एट अ पार्टिकुलर एज फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 150.3 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड एवियशन फाइव सेंटीमीटर फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट अ बॉय पिक अ रैंडम फ्राम दिस एज ग्रुप हैज़ हाइट मतलब कि कोई रैंडम बॉय जो है वह पिक करना है जिसकी हाइट जो है वो नीचे दी हुई दी गई है वो ऐसा रैंडम बॉय है जिसमें 153 सेंटीमीटर एक होगी और दूसरा रैंडम जो पिक करना है हमने 145 सेंटीमीटर उसकी जो हाइट होगी उसके बाद तीसरा जो हमने करना है उसकी 146 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर के दरमियान में होगी तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्टीन्यूस डेटा इसमें जो आप सबको जो मिलेगा डेटा इस कॉन्टीन्यूज मतलब होगा जो भी इसमें चीज़ चाह होगी वो कॉन्टीन्यूज होगी मतलब या तो वो कम कर रही हो कम हो रही होगी या वो ज़्यादा हो रही होगी कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर हो रहा होगा लेकिन वो एक जगह पर स्टिल नहीं होगी जैसे इसमें आपको एग्ज़ाम्पल देते हुए इसने दिया और आपको समझाया भी है कि आपको एक रेंडम जो पिक करना है जिसकी एज बंदा कोई भी रेंडम जो बॉय पिक करना है जिसको कह सकते हैं लड़का पिक करना है जिसकी हाइट जो है वो मतलब चेंज हो रही है वन एक दफ़ा वन फिफ्टी थ्री है और उसने ये भी कहा था इससे लेस देन है इसकी ये भी नहीं समझ आ रही फिर कह रहा है मोर देन 145 है और ये कह रहा है कि 145 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है ठीक है फिर ये तीसरे में कह रहा है 146 और 152 के दरम्या में है कहीं पे तो ये इसके आगे पीछे की कहानियाँ जो बना रहा है बार बार कह रहा है कि इससे कम होगी ज़्यादा होगी और उसने ये भी नहीं एज भी नहीं बताई कि कौन सी एज का ग्रुप का बंदा जो है वो आपने लेना है वो भी उसने रैंडम बताई है तो इससे हम खुद जो है मतलब के गेस करते होते हैं कि कौन सी मतलब की एज का बंदा है उसकी कितनी हाइट है और उसका क्या आंसर जो है वो आएगा उसको मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी में इसलिए नहीं जाता ताकि आप सब दोस्तों को जो क्वेश्चन आराम से समझ आ जाए मतलब मेरा क्वेश्चन समझाना होता है थ्योरी के लिए आप यूट्यूब के ऊपर हज़ारों लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं उसका कोई भी आपको जो मसला नहीं होने वाला ठीक है तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ तो सबसे पहले आपने क्या करना है क्वेश्चन को लिख लेना उसके बाद आपको साइन बताऊंगा कि आपने जो किस तरह इसको चूज करना है सबसे पहले आप लिखते होते हैं पी उसके बाद लेक्स लिखते हैं तो उसके बाद यहाँ से क्लोज करने के बाद आपने जो है यहाँ पर वन फोटी फाइव लिखना है साइन चूज़ करने का मैं आपको बता देता तो हूँ आपने कैसे करना है तो वन सेंटीमीटर आपके सामने है अब आपने इस चीज़ का अंदाजा लगा लेना है कि आपके पास जो लिखा हुआ है वो क्या स्टेटमेंट क्या लिखी है ऊपर वाला आपने पढ़ लिया उसकी समझ आ गई वैल एंड गुड अगर नहीं आई तो दोबारा आप जो है एक दफ़ा पढ़ सकते हैं और दोबारा आप ये चीज़ें जो है ऊपर लिख सकते हैं जो कि ऊपर दी हुई हैं अगर आपको ये चीज़ नहीं ऊपर लिखने का तरीका आ रहा है तो मैं आज आपको ये जो बता देता तो हूँ अभी यहाँ से वेट कीजिएगा थोड़ा ये मैं पेज ओपन कर लूँ और ये पेज आपको अगर देखे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको नजर आ रहा है अच्छी तरीके से तो आपको जब वो ये पेपर में सॉल्व करने में जो है एटी टू नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन आपको वैसे ही सॉल्व हो जाता है इससे अगर आपके पास ये स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं ये यह देखें यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले लें आपको आराम से जब अपने फ़ोन में रख लें ताकि आपको जब इससे बाद में देखने में जो फायदा हो टेन चैप्टर टेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब दोस्तों के लिए मेरी भी बता चलो कि इसको मैं एक दफ़ा ऊपर लिख के बता देता हूँ आप आपको स्टेटमेंट की ये क्या क्या दी हुई है सबसे पहले आपको दिया हुआ है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन अब मीन किसको कहते हैं अब आपको क्वेश्चन में तो उसने कहा हुआ मीन लेकिन फार्मूला में कोई मीन इस्तेमाल ही नहीं होता तो मीन किसको कहते हैं म्यू को कहते हैं तो आपने यहाँ पर म्यू लिखना है म्यू की वैल्यू की जगह मीन की वैल्यू जब आपने लिख देनी है ठीक है मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैंने तो इधर से उस क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया आपको डिस्टर्बिंग भी ना हो तो आप यहाँ पर जो है नीचे मैंशन जरूर कर सकते हैं लेकिन जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा दो तीन पार्ट का तो आप एक दफ़ा लिखते हैं बाद में उसको जो हल करते हैं ठीक है म्यू कितना है हमारे पास उसने क्या बताया वन फिफ्टी पॉइंट थ्री जो है वो हमारे पास म्यू है वन फिफ्टी पॉइंट थ्री और उसके बाद आपने कोमल गाना है मैं कोम गाने के बाद दोबारा लिखता हूँ वैल्यू दूसरी कौन सी वैल्यू उसने दी हुई है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन अब स्टैंडर्ड डेविएशन की मैंने इसमें बताया हुआ कि किसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन किसको कहते हैं सिग्मा को ठीक है ये हमारे पास सामने जब आपको नज़र आ रहा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा और आपने यहाँ पर सिग्मा लगा के स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है लिख देनी है जो कि हमारे पास क्या है फाइव पॉइंट जीरो सेंटी मीटर अगर आपको नज़र आ रही हो ठीक है 5.0 आपने लिख देना ठीक है सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली ठीक है अब आपने यहाँ पे क्या करना होता है सिंपली जो है साइंस चूज करना होता है अब आपको ना पिछली वीडियो में भी साइन चूज करने का बताया था लेकिन अब फिर मैं रिवाइज़ करता चलता हूँ एक दफ़ा इसने कहा है मोर देन वन फोटी फोर्टी फाइव सेंटीमीटर मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मोर देन मतलब मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा मोर देन वन फोटी फाइव वन फोटी फाइव सेंटीमीटर से ज़्यादा आंसर आएगा अब देखें हमारे पास एक वेरिएबल ये है जो कि हमारे पास वन फोटी फाइव सेंटीमीटर लिखा हुआ है मिसाल आपको दे रहा हूँ एक ये है और जो इसका आंसर आएगा उसको ले लें कि आप एक्स है मतलब एक्स जो है वो वहाँ पर उसका आंसर आने वाली जी एक्स है अब वो कह रहा है ये मोर देन वन फोर्टी फाइव सेंटीमीटर आएगा जो कि हमारे पास ये वाला एक्स है मैं आपको यहां पर बताता हूँ यहां पर कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो हमारे पास 145 सेंटीमीटर है इसका आंसर मोर देन है मतलब ज़्यादा आंसर आएगा किससे आएगा इससे आएगा जब जाहिर है इससे ज्यादा आंसर आएगा, आएगा? आएगा।, ज्यादा आएगा तो वो एक्स का आएगा और एक्स क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा हमारे पास तो एक्स का साइन जो है हम बड़ा लगा देंगे मतलब कि इस ये जो इसका आंसर आने वाला है ना इसने जो कहा हुआ है वैल्यू में मोर देन 145 सेंटीमीटर तो इसका साफ साफ मतलब है कि 145 सेंटीमीटर से मोर देन आएगा मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा तो 145 से सेंटीमीटर से जब ज़्यादा आंसर आएगा तो जाहिर है वो एक्स जो है हमारा खुद ही बड़ा हो जाएगा 145 फोटी फाइव जो है वो छोटा हो जाएगा क्योंकि इससे आंसर जो है वो बड़ा आएगा हमारा वन फोर्टी फाइव के बाद जो हमारे पास एक्स की वैल्यू में जब वहाँ पर ये पुट हो जाएगा तो हमारा वो जो आंसर जो एक्स की जगह पर पुट होगा वो हमारा बड़ा आंसर होगा इसलिए हम इसको जो है बड़ा करेंगे वन फोटी फाइव जो हमारे पास छोटा है ठीक है इक्वल करते हैं उम्मीद आपको समझ आ गया होगी नहीं है तो कमेंट करें फिर मैं एक दफ़ा बता दूंगा कोई मसला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं आगे क्या करते होते हैं? पी लिखते हैं, लिखते उसके बाद एक्स की वैल्यू आपने की की जगह वैल्यू भी लिख सकते, हैं। लिख सकते हैं तो उसके बाद आपने एक्स लिखना उसके बाद वैसे लिखना है और वन फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव ठीक है आपने जब सिंपली इस तरह कर लेना है अब आपको मैंने बताता हूँ कि इस तरह क्यों किया हमने आपको मैंने पहले बताया डेटा कॉन्टीन्यूस है जब डेटा कॉन्टीन्यूज होता है तो उसमें जब हम कॉन्टीन्यूज में वैल्यूज़ को खुद मतलब कि ख़ुद से जज करते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू ज़्यादा आ सकती है इतनी कम आ सकती है तो हम सिर्फ अजाफा पॉइंट फाइव का करते हैं जो कि हमारे पास बेसिकली किया गया इसी में इसमें भी हमने किया हुआ है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा मैक्सिमम आंसर आएगा मतलब कि मोर देन का आंसर आएगा तो मोर देन का मतलब कि ऑटोमेटिकली ये होता है कि ये आंसर ज़्यादा आएगा जब ज़्यादा आंसर आता है तो वन मतलब कि पॉइंट हमने खुद से ऐड कर दिया तो हो सकता है कि इतना आंसर आ जाए लेकिन आपने हमेशा पॉइंट ज़्यादा करना होता है इससे ज़्यादा आपने नहीं करना है। इससे पिछले क्वेश्चन में अगर आपको मैं अगर मिल गया तो मैं यहाँ से बता देता हूँ हमने पिछले क्वेश्चन में जब किया था अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने पिछले क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट में जो है वो किया था हमने क्या किया था सिंपली <laughs> हमने पॉइंट फाइव माइनस किया ए, कम किया था इसका मतलब कम क्यों किया था इसमें हमने इससे पूछ रहा था कि लेस देन वन फिफ्टी थ्री सेंटीमीटर मतलब कि वन फिफ्टी थ्री सेंटीमीटर से लेस देन आना है तो ज़ाहरा वन फिफ्टी थ्री सेंटीमीटर से जो लेस देन आएगा वो वन फिफ्टी टू पॉइंट फाइव आएगा मतलब कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी होगी इस, हो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर छोटा करके लिख दिया पॉइंट फाइव सिर्फ आपने काम करना जब वो कम करने का कहेगा लेस देन आपने इस वैल्यू को यहाँ पर कम करके लिखने लिखने लिख देना है और जब आपको कहेगा मोर देन तो आपने इस वैल्यू को यहां पर ज्यादा करके लिख देना और कम और ज्यादा सिर्फ पॉइंट फाइव आपने करना है ताकि आपको इस्टीमेट आपका जो है सही रहे ठीक है मैं ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाने वाला ठीक है उसके बाद आपने यहाँ से कर लिया उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी उसके बाद आपने ये कर लेना है और मोर देन में इसको ज़्यादा कर देना पॉइंट फाइव को और लेस देन में इसको जो है वो कम कर देना है इस वैल्यू को यहाँ पर जब पुट करेंगे उसको लेस देन या मोर देन में जो है वो कन्वर्ट करके लिखेंगे यानी इधर अगर ये वन फोटी फाइव लिखा है अगर इसको कहा हो होता है उसने कि लेस देन है तो वन फोटी थ्री पॉइंट फाइव हम वन फोटी फोर पॉइंट फाइव हम जहाँ पर लिखते यानी पॉइंट फाइव कम कर देते अब उसने कहा मोर देन वन फोटी फाइव तो जान इसका मतलब ये कि वन फोटी फाइव मोर देन है यानी कि इससे ज्यादा है इतना ज्यादा हो सकता है ठीक है आपने ये लगाने के बाद ये सिंपली नीचे आ जाना है और सिंपली आपने क्या करना है उसके बाद आपको पता है कि आपने कौन थ्योरम वो फार्मूला चूज करते होते हैं तो एक्स की जगह हम क्या चूज करते हैं सारा कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया स्क्रीन शॉट ले, ले लें अगर नहीं लिया तो अभी भी आपके पास टाइम है अभी भी ले लें मैं दोबारा एक कर देता ये देखें अब इसका स्क्रीन ले लें बहुत आसानी से जो है वो आपको ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा ठीक है आप यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स ठीक है इस एक्स की जगह कौन सी वैल्यू पुट करते हैं ये सामने आपके मैंने लिख के रखी है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा आप यहाँ पर लिख दें एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा आप यहाँ पर लिखें तो उसके बाद आपने करना है ये साइन जो है यहाँ पर लगा देना है उसके बाद जो आपका काम होता है वो होता है आसान और आसान हो जाएगा कोई मसला नहीं है आपको मैं बताता हूँ अगर आपको ये काम भी मुश्किल लगता है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने जब किस तरह करना है सिंपली अब आपने ये करना है एक्स की वैल्यू पुट करनी है अब एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास यहाँ पर आई है एक बारे पास ये वैल्यू थी हमने उसको हल करने के बाद यहाँ पर ले आए जो कि लेस देन मोर देन जो भी उसने कहा हुआ था उसके बाद यहाँ पर हम ले आए तो अब इस एक्स की जगह इधर जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं कहाँ पर पुट करते हैं यहाँ पर 145.5 और ये वाली वैल्यू को हमने कन्वर्ट करके इधर लिखा यानी कि ये इक्वल हो गया दोनों आपस में देख सकते हैं लेकिन हाल करके हमने ये लिखी बाद में स्टेप और इस वैल्यू को हमने यहाँ पर लिया है ठीक है सिंपली उसके बाद माइनस माइनस के बाद म्यू लिखा हुआ है तो इस म्यू की जगह यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे ये जो म्यू इसने ऊपर लिखा हुआ है 150.3 जो सेंटीमीटर है ये यह हमने यहाँ पर लिखना है 150. पॉइंट थ्री ठीक है आपने यहाँ पर जब इसको लिख लेना ठीक है।, है उसके बाद आपके पास नीचे आ जाता है सिग्मा उसके बाद आपने इसकी जगह यहाँ पर सिग्मा लगाना होता है तो आपने सिग्मा क्या, क्या? हमारे पास फोर फाइव पॉइंट जीरो हमारे पास सिग्मा ठीक है बेसिकली हमारे पास जो एक्स होता है उसकी इस साइड पर इस साइड पर या इस साइड पर दोनों जो भी जगह पर हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं सिंपली हम एक्स की जगह एक्स पुट कर देते हैं म्यू की जगह म्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं और सिग्मा की जगह सिग्मा की पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू हमारे पास बेसिकली होती ही है अगर उसने मतलब कॉन्ट्रीज डेटा तो उसमें हम जब वैल्यू चेंज करते हैं तो यहाँ पर ले आते हैं तो इसलिए हमें ये इधर लगानी पड़ेगी वैल्यू अगर ये इधर ना होती ये स्टेप ऊपर होता तो ये वाली वैल्यू हम जो है यहां पर लगाते ठीक है उम्मीद आपको समझ आ गई होगी उसके बाद आपने पी लिखना है पी लिखने के बाद आप के करें सिग्मा किसके इक्वल होता है हम जब हल करते हैं कैपिटल जेड के तो ये आपको सामने जब लिखा हुआ है तो आपने पिक्चर नहीं ली तो बैग जाकर जो है ले सकते हैं ठीक है थीक्या? उसके बाद आपने जेड जो है लिख देना सिंपली तो उसके बाद आपने जो है क्या करना है सिंपली इसको माइनस कर लेना ऊपर ये जो हमारे पास वैल्यूज लिखी हैं इसको आपने माइनस करना है वन को माइनस करना है आपने वन फोटी फ़ाइव मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ एक दफ़ा वन फोटी फाइव पॉइंट फाइव माइनस वन फिफ्टी पॉइंट थ्री वन फिफ्टी पॉइंट थ्री या आपके पास आंसर करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस फोर पॉइंट एट मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसलिए यही यूज़ कर रहा हूँ तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पर लिख देना है। यही आंसर आएगा आपका इस क्वेश्चन का उसके बाद आपने नीचे वाला जो लिखा है फाइव आपने इसको वैसे ही लिख देना है। अभी जो हम इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद आपने लिख देना इक्वल का साइन और इक्वल का साइन लिखने के बाद आपने सिंपली क्या करना है इसको भी हल कर देना और बहुत ईजीली आपका क्वेश्चन जो है तो सिंपली हल होने की जानव चला गया आपने ये लगा देना लेस देन का साइन और फोर पॉइंट माइनस फोर पॉइंट एट को आपने जो है वो यहाँ पर ये ले लें जो डबल्स होती हैं हमारे पास जिसको आप बटा कहते हैं आप उसमें अपनी अपनी जबान में फोर पॉइंट आपने लिखना है उसके बाद नीचे आपने जो है लिख देना फाइव पॉइंट जीरो ठीक है और ये लिखने के बाद आपके पास जान रहेगा जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट नाइन सिक्स उसको आपने जो है यहाँ पर लिख देना जीरो पॉइंट नाइन सिक्स और ये माइनस के साथ है इसको भी आपने जो है लिखना है ठीक है माइनस जीरो पॉइंट नाइन सीस आपने जो है यहाँ पर लिख देना है और सिंप्ली जब आपको थ्योरम लगाने की बारी तो थ्योरम की भी टेंशन नहीं लेनी उसकी भी पिक्चर लेनी है आपने सिर्फ ठीक है तो और आप सबके लिए बड़े आसानी से जो इसको कर दिए दस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा थीरम इस्तेमाल होते हैं कि है, पिक्चर ले लें आप ताकि स्क्रीन लेने के बाद आपको जो वीडियो रोक के यहाँ से जो है ले सकते हैं ठीक है उसके बाद लेने के बाद आपने देखना होता है यहाँ पर जो वैल्यू होती, होती है ये हमेशा एक ही वैल्यू होती है इसको आपने देखना होता है ये लेस देन है के मतलब ग्रेटर देन है लेस देन और ग्रेटर देन का क्या निशानी होती है ये पेन मेरे पास समझें ये मेरे पास वैल्यू है ये जो पेन है ना ये हमारे पास वैल्यू है और ये जो हमारे पास है ये साइन है लेस देन का मतलब कि ग्रेटर देन का साइन है जो भी है मेरे पास ठीक है अब अगर ये साइन इस तरह होगा यानी कि इसका मुँह खुला हुआ है और ये जो आगे हमारे पास वैल्यू है हमारे पास ये अगर इसके अंदर मुँह के अंदर जा रही है ये देखें ये साइन खुला हुआ है इसके अंदर मुँह के अंदर वैल्यू जा रही है तो इसका मतलब ये वाला जो साइन है ये हमारा ग्रेटर देन है और वैल्यू कौन सी ग्रेटर देन है ये पेन के आगे जो वैल्यू है ये पेन है ना ये वैल्यू है समझें कि ये हमारे पास ग्रेटर देन है अगर ये चूंज हमारे पास ऐसे बंद हो जाती है तो ये वैल्यू इसके मतलब के मुंह के अंदर नहीं जा रही तो इसका साफ साफ मतलब है चूंच बंद है तो ये वैल्यू हमारे पास लेस देन है ये छोटी है और ये हमारे पास वैल्यू बड़ी है जिसकी तरह ऐसे मुंह खुला होता है यह वैल्यू बड़ी होती है और ये जब इस तरह चूंच बंद हो जाती है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है छोटी है अब इसकी तरफ चूंच बंद है या खुली है इसका आप अंदाजा लगाएं कि ये यह की वैल्यू आपने देखना हो तो जेड क्यों नहीं देखना ये हमारे पास ए की वैल्यू जो क्या है लेस देन है इसकी तरफ चूँ जो है बंद हो रही है ठीक है और ये जेड की तरफ जो मुंह खुला हुआ इसका इस तरह हुआ हुआ है तो आपने इसको ग्रेटर देन समझना और इसको लेस देन समझना और जब हमारे पास ए की वैल्यू जो है लेस देन होती है हम कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं आपके सामने जो जेड लिखा है उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास लेस देन आ रही है कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे वन माइनस फाइव ए का सिंपली आपने वन माइनस फाइव ए का थ्योरम यूज़ करना है और थ्योरम किस तरह यूज़ करना है सिंपली आपने जो जहाँ आप पहले इसको कन्वर्ट कर लेना अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं सॉफिस मिले अगर नहीं करना चाहें तो आप जो ना भी करें तो कोई मसला नहीं आप जहाँ पर पी लिखें उसके बाद जैड लिखने के बाद आपने जो इस वैल्यू को सिर्फ कन्वर्ट करना होता है किसके लिए जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं ठीक है माइनस जीरो पॉइंट नाइन से ये सिर्फ इसलिए करते हैं जो कि थ्योरम के लिए हम जो चीज़ें बना लेते हैं ठीक है थीके? ये आपने कर लेना ठीक है उसके बाद आपने इस इसको देखते हुए डायरेक्ट जो है यहाँ पर थ्योरम लगा देना वन माइनस फाइव और एक की जगह ए की वैल्यू पुट का दें जो कि है माइनस जीरो पॉइंट नाइन सिक्स इसको आपने सिंपली करना है कैलकुलेटर चाहिए तो कैलकुलेटर कमेंट कर दी मैं आपको जो वो लिंक इसका भेज दूंगा तो ये हमारे पास सिंपली आ चुका है कैलकुलेटर तो आपने यहाँ से मोड में जाना होता है शर्ट का फंक्शन ऑन किया ये ऑन किया उसके बाद माइनस ज़ीरो पॉइंट नाइन सिक्स आपके पास जो है आ गया इसका आपके पास अगर एरर रहा था नहीं आ रहा है तो नहीं आया ठीक है आंसर आ चुका है हमारे पास इसका आंसर क्या है माइन जीरो जीरो पॉइंट वन सिक्स एट फाइव जीरो पॉइंट वन सिक्स एट फाइव थ्री ठीक है आपने इसका आंसर जो लिखने है लिख लेना पहले आपने वन माइनस वैसे लिखना है साथ उसके बाद आपने इसका जो लिखने है लिख लेना जीरो पॉइंट वन सिक्स एट फाइव उसके बाद आप जो है वो थ्री लिख लें क्योंकि टू के बाद जो लफ्ज़ है सेवन है वो बड़ा है फाइव से तो आप जो ये लिख लें ठीक है उसके बाद इस आंसर को वन माइनस कर दें वन माइनस आंसर इक्वल करेंगे लेंगे जीरो पॉइंट एट थ्री ई वन फोर सेवन आपके पास जब आंसर आएगा जीरो पॉइंट एट थ्री वन फोर सेवन आपके पास जो आंसर आ चुका है वो बहुत इजीली हमने जो इसको सॉल्व कर लिया तो यही हमारे पास आंसर है नेक्स्ट पार्ट इसका मैं बाद में कराऊंगा जो कि हमारे पास इसका जो बिटवीन के बारे में पूछा गया जो कि हमारे पास है बिटवीन वन फोर्टी सिक्स पॉइंट वन फोटी सिक्स सेंटीमीटर एंड वन फिफ्टी टू सेंटीमीटर के दरमियान में इसका जो आंसर है वो तो मैं बाद में करूँगा क्योंकि आप मेरा हाथ देख सकें कितना पसीना आ चुका है और ये सिर्फ आपके लिए कोई बात नहीं और मिलते भी नहीं कि सच्ची इसी वीडियो में तब तक दीजिए इजाजत चैनल सब्सक्राइब नहीं तो जरूर कर लें बैल के आजम तौर पर दबाएँ और कोई राय देनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें मिलते भी नहीं कि अच्छी सी वीडियो में तब तक दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़